ये सिर्फ हमें गालियां देंगे। वो जब आएगा आपके यहां का विधायक, वो सिर्फ हमें गालियां देगा। उसने क्या किया है ये नहीं बताएगा 6 महीने में, और उसकी पार्टी क्या कर रही है ये नहीं बता सकता, वो बता ही नहीं सकता। 2 करोड़ रुपये के फंड में से आप तो हर एक कहीं ना कहीं गांव से आए हो, बता सकते हो कि किसके गांव में 2 करोड़ में से 2 लाख रुपए भी आए हो? हाथ उठाना, कोई कोई नहीं बोल रहा कि नहीं आए होंगे। कार्यकर्ता बंधु ये कुछ कर सकता ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके यहां से विधायक बने हो, इसके पहले भी 30 साल पहले या 20 साल पहले आपके यहां से 5 साल विधायक रहे, जिससे भी रहे थे। वो तो बीएसपी और कांग्रेस की बात उसकी इसलिए मत करो कि मैं और दो ही दल गिना पाएंगे, वो एक दर्जन दलों में रह के आया है। बहुत अनुभवी विधायक है आपका। बासपा माकपा भाकपा लूट खा बेच खा तमाम दल रहे, हमारी भाजपा में भी रहा था, मालूम है कि नहीं? एक कोई है ऐसा आप इतनी बड़ी भीड़ में से जो बता दे कि फलानी पार्टी में नहीं रहा? सारी पार्टियों में रह के आई। वो कह रहा दतिया वाला भी, वो भी ऐसे ही रहा। ये बड़े अनुभवी लोग हैं, सब पार्टियों का अनुभव है इनको, मेरे मित्रों। लेकिन इस पार्टी के प्रत्याशी का थोड़ा ध्यान देना, ये सनातन विरोधी पार्टी है और सनातन विरोधी व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, इसको मत भूल जाना आप लोग कार्यकर्ता बंधु कभी भी। ये वो ईडी गठबंधन है जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू कहता है, डेंगू। ये वो लोग और उस पार्टी के लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करना चाहते हैं,